Hi guys, welcome to my channel and in today's video I'm gonna share with you my daily skincare routine. Like normally रोज मैं कौन सा और मैं क्या स्किन केयर करती हूँ, वैसे ही मेरा वीकली स्किन केयर का रूटीन भी आएगा. उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेप होती है. मेरी नॉर्मल डेली स्किन केयर रूटीन में ज़्यादा स्टेप्स नहीं है. मैं बहुत मिनिमल चीज़ें यूज़ करती हूँ एंड बहुत नॉर्मली मैं अपना स्किन केयर करती हूँ. तो दैट इज़ आई एम गोना शेयर विथ यू टुडे एंड फॉर दैट आई हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू ऑल्सो एंड सम थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड एंड सम थिंग्स दैट यू शुड डू. सो या लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम लाइक आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इज दैट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्किन केयर आप स्टार्ट करोगे एंड उसका रिजल्ट आपको दूसरे दिन मिल जाएगा. तो दैट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. मेरी स्किन पे आज जो इफेक्ट हुआ है उसके लिए मैंने और भी बहुत सारी चीजें की है. इट्स नॉट लाइक जस्ट द स्किन केयर थिंग, बट स्किन केयर थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपके फेस में या आपके जो भी स्किन का टेक्स्चर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. आपका एक अपना खुद का स्किन केयर रूटीन होना चाहिए. नाउ दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर माई फेवरेट्स एंड मैं जिनको यूज करती आई हूँ. फेवरेट कहने से अच्छा है कि मैं जिनको यूज करती आई हूँ जो मेरे स्किन को सूट करते हैं. तो आपके स्किन को जो प्रोडक्ट्स सूट करते हैं बस उन्हीं को यूज करिए. जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ या मैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको बस वही प्रोडक्ट यूज करने हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो कीप दैट इन योर माइंड. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इवन मेरी स्किन पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है. इट्स अ बेस्ट स्किन एंड उस मेरी स्किन पे अभी मेरे फोरहेड पे आई हैव एक्ने. सम नॉट दैट मच बट आई स्टिल हैव एक्ने. देन मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स भी आए हुए. तो किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती. तो प्लीज खुद को ये बता दो कि आपको बहुत हार्श नहीं होना है अपनी स्किन पे क्योंकि वो प्रॉब्लम्स होती रहती है. हर किसी को अलग टाइप से होती है. मेरी ये प्रॉब्लम से किसी की कुछ और हो सकती है. And that is totally fine. Just love yourself. Now, just start the video क्योंकि मैं बहुत ब्लैबर करती रहूँगी फिर. The first thing जो normally people use करते हैं या मैं अभी फिलहाल ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती थोड़ा भी. तो उसके लिए मुझे मेकअप रिमूव करने के लिए किसी अलग स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए मैं वो नहीं करती हूँ. वरना normally मैं जॉनसन बेबी ऑयल यूज करती हूँ मेरे मेकअप को रिमूव करने के लिए. दिस इज ऑल्सो अ क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेप बट माई स्टेप स्टार्ट लाइक माई फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली क्लेंजर फेस वॉश ऑफ कोर्स. एंड फेस वॉश के लिए आई हैव थ्री ऑप्शंस फॉर यू जो मैं यूज करती हूँ. फर्स्ट फेस वॉश इज हिमालया फोमिंग फेस वॉश. इसको मैं बहुत टाइम से यूज करती आई हूँ. मैंने बीच में बंद भी करा था बट मैंने फिर स्टार्ट कर दिया. आई डोंट नो आई हैव काइंड ऑफ ऑब्सेशन विद दिस फेस वॉश और समथिंग बट या दिस इज द फर्स्ट थिंग लाइक फर्स्ट फेस वॉश जो मैं यूज करती हूँ. सेकेंड वन इज दिस क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश. नाउ इसको मैंने ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं यूज कर रही थी. बट बाद में मुझे पता चला कि दिस इज नॉट रियली गुड फॉर माई स्किन. तो मेरे स्किन के हिसाब से ये नहीं है मेरे लिए. तो या दैट्स व्हाई मैं शायद इस बॉटल को यूज करूंगी या फिर मैं नहीं करूंगी. या दिस इज द सेकेंड थिंग बट दिस फेस वॉश इज ऑल्सो क्वाइट गुड. द थर्ड वन इज दिस रस्टिक आर्ट सैंडल फेस वॉश. नाउ इसको मैंने बहुत क्या बोलते इसको रिसर्च करने के बाद लिया था कि मुझे नेचुरल फेस वॉश चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसको यूज करा तो उसके बाद मुझे इतने सारे पिंपल्स आ गए कि मुझे नफरत सी हो गई थी इस फेस वॉश से. बट आई स्टिल वॉन्ट टू शो यू दिस फेस वॉश बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशन इन दैट. नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फेस वॉश यू कैन गो एंड वॉच फिट ट्यूबर्स वीडियो. ही हैव दिस. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर्स. नाउ दिस इज फोमिंग फेस वॉश. लाइक लिटरली इसका फोम निकलता है. आई डोंट नो हाउ बट आता है. तो not in this much of the amount but now a tip here कि अगर आपके पास आपका फेस का टॉवल अलग नहीं है तो प्लीज़ उसको अलग से रख लीजिए या कुछ अच्छा सा टॉवल आपको जो पसंद आएगा उसको खरीद लीजिए. बिकॉज जिस टॉवल से अगर आप बॉडी को लाइक ये करते हैं उसी टॉवल से अगर आप फेस को भी
क्लीन करेंगे तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि ऑब्वियसली फेस की स्किन एंड आपकी बॉडी की स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. फॉर लिप केयर आई हैव ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज दिस, एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वैसे इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इफेक्टिव भी होती है. तो यहाँ हमारा लिप स्क्रब यहाँ पे हो चुका है, लिप केयर हो चुका है. नाउ कमिंग टू द मॉइस्चराइजर, अगर आप कुछ टाइम से भी मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, अगर आपने मेरा स्किन केयर का कोई भी व्लॉग देखा है, आपको ये प्रोडक्ट कभी मिस हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसको चेंज ही नहीं किया. आई डोंट नो व्हाई आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्सेशन विद दिस प्रोडक्ट. मुझे नहीं चेंज करना. मैंने मॉइस्चराइजर यूज करके देख लिए बट आई जस्ट डोंट लाइक देम और समथिंग, बट दिस इज माई गो टू थिंग, क्योंकि जब मैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन थी या जब मेरे पिम्पल्स भी थे या जो कुछ भी था, उन सब में ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने चेंज ही नहीं किया है. लाइक पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये, मेरी स्किन को सूट करता है. तो इसको अगर आपको लेना भी है तो पहले देख लेना कि अगर आपको सूट होता है या नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं सूट होता है. मुझे सूट हो गया एंड मुझे बहुत अच्छे से एक्चुअली ये हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. इवन कभी कभी मैं नॉर्मल अगर मुझे बीबी क्रीम लगानी होगी तो एज अ प्राइमर भी मैं इसी को लगा देती हूँ. तो या दिस इज दैट, सो दिस इज माई मॉइस्चराइजर. नाम आपको पता होगा, पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल. या सो as a moisturizer, this is my go-to thing and it's really nice. And the last product that comes in my skincare routine is sunscreen. Really important. अगर आप बाहर जा रहे हो, people say कि आप यू नो घर में होते हो तब भी लगाना चाहिए, बट मेरा नॉर्मली इतना नहीं होता, मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट जब मुझे बाहर जाना है तो दिस इज़ कंपल्सरी, क्योंकि यू नो सन टैन इज़ अ डेडली थिंग एंड उससे बहुत सारे चीज़ें होती है आपकी स्किन में, वो इफेक्ट करता है आपकी स्किन को. तो प्लीज़ एक सनस्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए आपके यहाँ पे, आपके पास. नाउ दिस इज़ फ्रॉम एरोमा मैजिक क्यूकम्बर सनस्क्रीन. वन ऑफ माई फेवरेट इज लोटस, जो कि मैं इसको ट्राई कर रही थी इसलिए मैंने उसे अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि फिर मैं इसको फेंक दूंगी, मैं इसको यूज ही नहीं करूंगी. तो आई डोंट वांट दैट, बट लोटस मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं उसको बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ. तो या दैट इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशन एंड दिस इज ऑल्सो नाइस. सो या इट्स रियली इम्पॉर्टेंट वट एल्स आई कैन से, क्योंकि आपने कोई भी अगर स्किन केयर का वीडियो देखा होगा या उसमें वो लोग नॉर्मली बताते ही है कि सनस्क्रीन कितनी इम्पोर्टेंट होती है फॉर योर स्किन, एंड एक अच्छा सा थिक लेयर लगाना है, बिकॉज ऑब्वियसली सन से प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. एंड अगर आप मेकअप करने वाले या आप अगर नॉर्मल भी ऐसे ही जा रहे हैं तो भी एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स घर में रहना है सनस्क्रीन लगाने के बाद, ताकि वो सेट हो जाए आपकी स्किन में एंड देन वो आपको प्रोटेक्ट करे. उसके बाद आपको कुछ भी अगर ये करना होगा तो वो करिए, या फिर आपको बाहर जाना होगा तो प्लीज़ गिव इट 30 मिनट्स. तो बाहर जाने से 30 मिनट्स पहले आपको अपना स्किन केयर करके लेना है, उसके बाद मेकअप करना है एंड देन आपको बाहर जाना है. तो या सो दिस वॉज ऑल फॉर माई स्किन केयर एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ प्रोडक्ट्स एज यू कैन सी. एंड डेफिनेटली लाइक मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग हर किसी की अलग सोच होती है या हर किसी के अलग चॉइसेस होते हैं स्किन केयर को लेके या ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी वो यूज़ करते हैं उसको लेके. मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती आपके स्किन केयर में आपकी स्किन को अच्छे लगने के लिए. कुछ मिनिमल प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को सूट करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपकी स्किन पे इफेक्ट होता है, दे आर मोर देन इनफ फॉर स्किन केयर. सो या ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये नहीं थोप रही हूँ, बट या दैट इज दैट. तो या दैट्स इट फॉर माई स्किन केयर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, आपको वो किन टॉपिक्स पे चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे वीडियो किस टॉपिक्स पे बनानी चाहिए. तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.